yes students today we are going to start a new chapter that is selection of form of business organization after studying various form of business organization it is said that each form has certain advantages as well as disadvantages ए पर्टिकुलर फॉर्म इज सक्सेसफुल इन स्पेशल सिचुएशन वाइल इन अनदर सिचुएशन सम अदर फॉर्म में बी सक्सेसफुल सक्सेसफुल्स वाइल सेलेक्टिंग द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सम फैक्टर्स मस्ट बी कैप्टन माइंड ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्शन करने जा रहे हो तो आपके माइंड में कुछ फैक्टर्स होने चाहिए जिनके बिहाव पर आपने उस फॉर्म ऑफ बिजनेस का सिलेक्शन करना है अभी तक हमने फाइव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी किया फर्स्ट वन इज सोल ट्रेड सेकेंड इज पार्टनरशिप थर्ड इज कॉपरेटिव सोसाइटी फोर्थ इज ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड फिफ्थ वन इज कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा बिजनेस कैसे सेटल करना है उसका फॉर्मेशन क्या होगा उसके मेरिट्स क्या होंगे उसके डिमेरिट्स क्या होंगे ईच एंड एवरी कंसेप्ट को हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया अब सभी कंसेप्ट को स्टडी करने के बाद अगर आपको कहा जाए कि आप एक बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्शन कीजिए तो उस टाइम पर आप अपने माइंड में कौन कौन से फैक्टर्स को रखोगे कि आपके माइंड में क्या क्या पॉइंट्स आने चाहिए कि, कि किसके बिहाफ पर हम सोल ट्रेड को सिलेक्ट करें किसके बिहाफ पर हम कंपनी बिजनेस को सेलेक्ट करें ठीक है क्योंकि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अपने मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी सिचुएशन में बेनिफिशियल है तो कोई दूसरा किसी और सिचुएशन में बेनिफिशियल है तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करना कोई इजी टास्क नहीं है क्योंकि एक बार जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपने सेलेक्ट कर ली वो बहुत लंबे टाइम तक आपको फॉलो करना है और गलत सिलेक्शन से आपका पूरा जो कैरियर है वो क्या हो सकता है डिस्टर्ब हो सकता है इसीलिए जब आप अपना कैरियर सेट करने जा रहे हो इट मीन जब आप अपने लिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्शन करने जा रहे हो तो आपके माइंड में कुछ फैक्टर्स कुछ पॉइंट्स होने चाहिए जिनके बिहाफ पर आप ये सेलेक्ट करोगे कि मुझे किस टाइप का बिजनेस जो है वो अडॉप्ट करना है अब हम उन फैक्टर्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं फर्स्ट वन इज कैपिटल रिक्वायरमेंट अब सबसे जो मेन पॉइंट होता है बिजनेस का वो क्या होता है फाइनेंस कि आपको बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए कितना फाइनेंस चाहिए आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं अब देखिए अगर आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स कम हैं यानी कि आपको कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो आप सोल ट्रेड को अडॉप्ट कर सकते हो अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म में जाना है तो वहां आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे सोल ट्रेड के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा हो जाएंगे लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा कैपिटल्स की रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा पैसा चाहिए आपको ठीक है तो आपको कहाँ मूव करना पड़ेगा कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ क्योंकि सोल ट्रेड में सिंगल पर्सन की कैपिटल पार्टनरशिप में टू और मोर देन टू पर्सन लेकिन वो ट्वेंटी तक लिमिट हो जाती है लेकिन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई लिमिट नहीं होती कितने भी शेयर होल्डर्स कितने भी डिवेंचर होल्डर्स अपना जो अमाउंट है वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज लाइबिलिटी ऑफ ऑनर्स अब लाइबिलिटी टू टाइप्स की होती है वन इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी और वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी जब हमने प्रीवियस सेक्शन्स में फाइव जो हमारे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से उनको स्टडी किया तो हमने वहां देखा कि सोल ट्रेड और पार्टनरशिप की जो लाइबिलिटी है वो क्या है अनलिमिटेड है और बाकी सभी की जो लाइबिलिटी है वो क्या है लिमिटेड लेकिन ध्यान रखना कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता की लाइबिलिटी क्या होती है अनलिमिटेड होती है अब लाइबिलिटी का रिलेशन किससे है रिस्क से है अब अगर किसी बिजनेस में कम रिस्क होता है तो वहां पर हमारे पास लाइबिलिटी भी क्या होगी कम होगी ऑटोमेटिक हमारे को कम रिस्क है तो लाइबिलिटी भी मिनिमम क्रिएट होगी और अगर किसी बिजनेस में रिस्क बहुत हाई है तो वहां पर लाइबिलिटी भी क्या क्रिएट होगी ज़्यादा क्रिएट होगी अगर आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आपकी लाइबिलिटी को पे करने में यूज़ हो सकती हैं जैसा कि हम सोल ट्रेड और पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में स्टडी कर चुके हैं कि अगर बिजनेस को हैवी लॉसेस हो जाते हैं यानी कि बहुत आपके पास डेट्स हैं जिनका आपने पेमेंट करना है क्रेडिटर्स हैं जिनका आपने पेमेंट करना पेंडिंग है आपके लिए तो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर्सनल प्रॉपर्टी भी उन डेट्स का पेमेंट करने के लिए यूज़ हो सकती है लेकिन अगर आप कंपनी बिजनेस में हो तो वहां आपकी लाइबिलिटी क्या है लिमिटेड है कंपनी बिजनेस के अंदर आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है आपने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर कंपनी बिजनेस में तो आपको मैक्सिमम उतना ही अमाउंट पे करना है इसके एग्जांपल हम ऑलरेडी जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था कल का लेक्चर था वहां हमने बहुत सारे एग्जाम्पल इसके डिस्कस किए थे अब हमारी जो लाइबिलिटी है वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के केस में लिमिटेड है कॉपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के केस में भी लिमिटेड है ज्वाइंट हिंदू फैमिली में सिर्फ कर्ता की अनलिमिटेड होती है और बाकी सभी की लिमिटेड होती है सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी है वो क्या रहती है अनलिमिटेड रहती है तो फाइनली फाइनली हम जो कंक्लूजन निकालेंगे कि अगर हमारे बिजनेस में मिनिमम रिस्क है रिस्क अगर कम है ठीक है तो आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो सोल ट्रेड और पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन को और अगर आपके बिजनेस में रिस्क हाई है ग्रेटर रिस्क है आपका तो आप कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस अडॉप्ट करोगे ताकि आपकी लाइबिलिटी क्या रहे लिमिटेड रहे अगर कम रिस्क वाला बिजनेस है तो आप अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला बिजनेस अडॉप्ट कर सकते हो बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में आप अनलिमिटेड को चूज कर सकते हो अब लाइबिलिटी का रिलेशन यहाँ किससे आपने अटैच करना है रिस्क से इफ रिस्क इज ग्रेटर देन लाइबिलिटी इज लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होनी चाहिए लिमिटेड तो आप लिमिटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करोगे और इफ रिस्क इज लेस देन वी ऑप्ट सोल ट्रेड और पार्टनरशिप बिकॉज दे हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी थर्ड वन इज फैसिलिटी इन फॉर्मेशन फॉर्मेशन मीन्स एस्टेब्लिश करना बिजनेस को अब अभी हमने जो प्रीवियस लेक्चर जो हमारा कल का लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया कितना लंबा प्रोसीजर है कंपनी को फॉर्मेशन देने का कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए पता नहीं कितने लीगल डॉक्यूमेंट्स कितनी फॉर्मेलिटीज uh, हैं कितनी स्टेजेस हैं जिनसे हमें क्रॉस होना है अब अगर आप में कैपेसिटी है कि आप इतना लंबा प्रोसीजर कर सकते हो उसकी आपको प्रॉपर नॉलेज है आपके पास मैन पावर है आपके पास नॉलेज है कैपेबिलिटी है ये सब करने की ठीक है तो आप क्या ऑप्ट कर सकते हो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन लेकिन अगर आप इन सब फॉर्मेलिटीज में नहीं जाना चाहते दूर रहना चाहते हो इन सब फॉर्मेलिटीज से तो आपको ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस सोल ट्रेड पार्टनरशिप में एंटर करना इजी रहेगा क्योंकि इनमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है सोल ट्रेड पार्टनरशिप जो है और ज्वाइंट हिंदू फैमिली इनको रजिस्टर्ड नहीं कराना बेशक ज्वाइंट uh, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के लिए 1932 एक्ट का प्रोविजन है लेकिन वहां पर रजिस्ट्रेशन कराना कोई कंपलसरी नहीं है इसीलिए अगर आप फॉर्मेशन की फॉर्मेलिटीज में नहीं जाना चाहते तो आपको कंपनी बिजनेस की तरफ मूव नहीं करना फोर्थ वन इज कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी अब देखो सबसे ज्यादा कॉन्टीन्यूटी और स्टेबिलिटी तो किस बिजनेस में है कंपनी बिजनेस में क्योंकि वहां क्या होता है प्रीपेंचुअल सक्सेशन होता है मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट कंपनी गोस फोर आवर कंपनीज ऑलवेज चलती रहती हैं वहां पर स्टेबिलिटी होती है किसी पर्सन की डेथ हो जाए कोई पर्सन जो है ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चला जाए वहां कॉन्टिन्यूटी भी है और स्टेबिलिटी भी है लेकिन सोल ट्रेड में बिल्कुल कॉन्टीन्यूटी नहीं है अगर कोई पर्सन की डेथ हो जाती है वो बिजनेस छोड़ देता है तो वो सोल ट्रेड बिजनेस भी क्या हो जाता है वाइंड अप हो जाता है लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस में लिटिल कॉन्टिन्यूटी और स्टेबिलिटी होती है एज कंपेयर टू सोल ट्रेड सोल ट्रेड में तो कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी बिल्कुल ही नहीं होती लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में लिटिल कंटिन्यूटी होती है क्योंकि अगर कोई एक पार्टनर फर्म छोड़ रहा है चाहे उसकी डेथ हो रही है चाहे वो फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है तो उस केस में बाकी के पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज टैक्स लाइबिलिटी ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दट हैज द मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ ए कंपनीज मोर एज कंपेयर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एंड द पार्टनरशिप बिजनेस द स्मॉल साइज बिजनेस विल रिजल्ट इन स्मॉल टैक्स लाइबिलिटी फ्रॉम दिस प्वाइंट ऑफ व्यू द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एंड द पार्टनरशिप बिजनेस आर मोर यूजफुल फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर आप ये चाहते हो कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो तो जो बिजनेस जितने लार्ज स्केल का होगा उसकी टैक्स लाइबिलिटी उतनी ज्यादा होगी इसीलिए हम तो क्या चाह रहे हैं कि हमारी टैक्स लाइबिलिटी क्या हो मिनिमम हो तो हमें सोल ट्रेड और पार्टनरशिप बिजनेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर बिजनेस का जो स्केल है वो क्या है स्मॉल है और स्मॉल स्केल बिजनेस के अंदर ही टैक्स लाइबिलिटी जो है वो मिनिमम हो सकती है नेक्स्ट वन इज मैनेजीरियल नीड्स अगर आपका जो बिजनेस है वो एक लोकल नेचर का है जिसकी सिंगल इंडिविजुअल से मैनेजीरियल नीड्स जो हैं वो सेटिस्फाइड हो सकती हैं तो आप सोल ट्रेड को अडॉप्ट कर सकते हो यानी कि एक सिंगल पर्सन सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को सारे डिसीजंस को सभी तरह के जो मार्केटिंग एफर्ट्स हैं उनके ऊपर नजर रख सकता है तो सोल ट्रेड बिजनेस इज मोर सुटेबल लेकिन अगर आपके बिजनेस का स्कोप जो है थोड़ा वाइड है तो वहां पर आपको कुछ ज्यादा पर्सन की रिक्वायरमेंट है बिजनेस एक्टिविटीज को टेक केयर करने के लिए तो वहां आपको पार्टनरशिप बिजनेस को ऑप्ट कर लेना चाहिए लेकिन अगर आपके बिजनेस का स्केल बहुत ज्यादा लार्ज है जहां पर आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत है प्रोफेशनल्स की जरूरत है तो वहां पर आपको कंपनी बिजनेस अडॉप्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स क्या लेंगे हाई सैलरीज लेंगे हाई सैलरीज के लिए हमारे बिजनेस की जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या होनी चाहिए लार्ज होनी चाहिए और कैपिटल इन्वेस्टमेंट लार्ज कहाँ हो सकती है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है अब कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस ही अगर आपकी मैनेजीरियल नीड्स को सेटिस्फाइड करती हैं तो आपको उसी बिजनेस को ही अडॉप्ट करना पड़ेगा फाइनली वी कैन से दैट कि अगर एक सिंगल पर्सन बिजनेस को संभाल सकता है तो आप सोल ट्रेड को अडॉप्ट कर लीजिए अगर आपको दो चार आठ दस लोगों की रिक्वायरमेंट है तो आप पार्टनरशिप को अडॉप्ट कर लीजिए और अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है प्रोफेशनल्स की है एक्सपर्ट्स की है आप खुद नहीं कुछ कर सकते बिजनेस के लिए आपका बिजनेस इस नेचर का है कि उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स ही चाहिए स्पेशलिस्ट चाहिए काम करने वाले तो आपको वो हायर करने पड़ेंगे हायर करने पड़ेंगे तो आपको कौन सा बिजनेस अडॉप्ट करना पड़ेगा कंपनी बिजनेस क्योंकि कंपनी के अंदर ही बहुत सारा अमाउंट बहुत सारी कैपिटल इन्वेस्टेड होती है कंपनी बिजनेस में ही ऐसी कैपेसिटी है कि वो अपने एम्प्लॉइज को अच्छे सैलरीज अच्छा रेमनेशन जो है वो पे कर सकता है नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सीबिलिटी द फॉर्म ऑफ बिजनेस शुड हैव द कैपेसिटी टू एब्सॉर्व द चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज सिचुएशन

उस बिजनेस एन्वायरमेंट में लगातार क्या चेंजेस होते रहते हैं तभी तो आप मार्केट में स्टेबल रह सकते हो अदरवाइज बहुत जल्दी आपका बिजनेस क्या हो जाएगा शटडाउन हो जाएगा आपने अगर अपने बिजनेस एनवायरमेंट के ऊपर प्रॉपर नजर नहीं रखी प्रॉपर उसको वॉच नहीं किया कि हम जिस सोसाइटी में बिजनेस कर रहे हैं उस सोसाइटी का जो एनवायरमेंट है वो कैसा एनवायरमेंट है उसमें रोज कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या कुछ सोशल चेंजेस हो रहे हैं गवर्नमेंट कुछ चेंजेस कर रही है कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं तो अगर आप इनके ऊपर रेगुलर आई नहीं रखते हो तो आपको बहुत जल्दी अपना बिजनेस शट डाउन करना पड़ेगा तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस एनवायरमेंट के ऊपर रेगुलर वो आई जो है वो रखे अब बिजनेस एनवायरमेंट है वो तो डेली क्या होगा कुछ ना कुछ उसमें नए चेंजेस आते रहेंगे अब नए चेंजेस आ रहे हैं तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें अपने बिजनेस में भी क्या करने पड़ेंगे चेंजेस तभी हम अपने बिजनेस को जो है लंबे टाइम तक मार्केट में स्टेबल रख सकते हैं तो अब लंबे टाइम तक मार्केट में स्टेबल रखना है रोज नए चेंजेस हो रहे हैं उन नए चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए क्या लेने पड़ेंगे क्विक डिसीजंस लेने पड़ेंगे अब वो क्विक डिसीजंस क्या कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल है नहीं है वहां तो कोई डिसीजन लेना हो वोटिंग करवाओ एजीएम बुलाओ जनरल मीटिंग्स बुलाओ ठीक है ज्वाइंट हिंदू फैमिली में भी बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स होते रहते हैं क्योंकि करता अपनी मर्जी चलाता है को सोसाइटी भी पॉसिबल नहीं है तो इस केस में तो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल क्या है सोल ट्रेड पॉसिबल है सो so, अगर आप इस तरह का बिजनेस कर रहे हो जिस प्रोडक्ट के बिजनेस एनवायरनमेंट में लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं एवरी मंथ एवरी क्वार्टर एवरी ईयर कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आपको सोल ट्रेड ही अडॉप्ट करना पड़ेगा ठीक है और कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा लंबे चेंजेस नहीं होते लंबे टाइम तक एक जैसी मार्केट ही आपको मिलती रहती है तो वहां पर आप पार्टनरशिप कंपनी इस तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट कर सकते हो नेक्स्ट वन इज स्केल ऑफ प्रोडक्शन वेरी सिंपल पॉइंट इसमें बहुत ज्यादा हमें जो है डिस्कशन नहीं करनी अगर आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत है ज़्यादा फाइनेंस की जरूरत है लार्ज स्केल पर बिजनेस करना चाहते हो ठीक है तो आपको क्या अडॉप्ट करना पड़ेगा कंपनी यानी कि ज्यादा प्रोडक्शन करना है ज़्यादा पैसा चाहिए ठीक है प्रोडक्शन कर रहे हो तो बार बार टेक्नोलॉजी तो चेंज होती रहती है ठीक है न्यू 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 मैथड से आपको क्या करना पड़ता है प्रोडक्शन करना पड़ता है ठीक है तो आपको लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करना है तो आप कंपनी को अडॉप्ट कर लो अगर आपको स्मॉल स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करना है तो आप पार्टनरशिप को अडॉप्ट कर लो अगर आपको वेरी स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन करना है तो आप सोल ट्रेड को अडॉप्ट कर लो ठीक है तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का बिजनेस करेंगे नेक्स्ट वन इज लीगलिटी अब सिर्फ हमें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिसाइड नहीं करना कि हम किस टाइप का बिजनेस सेलेक्ट करेंगे हमने ये भी देखना है कि हमारा बिजनेस लीगल होना चाहिए उस पर कोई क्वेश्चन मार्क ना उठे सिर्फ सोल ट्रेड को छोड़कर बाकी सभी बिजनेस लीगल के अंदर आते हैं क्यों क्योंकि उनको हम रजिस्टर्ड करवा सकते हैं पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन बनाया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कॉपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 बनाया गया ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को रजिस्टर्ड नहीं कराता वो करा सकते हम उसको भी थोड़ा सा कम लीगल माना जाता है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंपनी कंपनी को हम फॉर्मेशन लेते हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं वन पर्सन कंपनी सोल ट्रेड को अगर थोड़ा सा इंप्रूवड वर्जन में ले लें तो हम उसको वन पर्सन कंपनी में भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं तो ऑलमोस्ट सभी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम लीगल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं कि एक सोल ट्रेड और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को लीगल जो है वो लीगली uh, उनको अडॉप्ट नहीं किया जाता उनको सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है नेक्स्ट वन इज नीड ऑफ सीक्रेसी अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस के सारे सीक्रेट्स आपके पास ही रहें कोई भी उनको शेयर ना करे तो आपको सोल ट्रेड अडॉप्ट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि कुछ सीक्रेट्स जो हैं कुछ ही लोगों के बीच में रहें ज्यादा लोगों के बीच में स्प्रेड ना हो तो आपको पार्टनरशिप अडॉप्ट करना पड़ेगा बाकी सभी जो बिजनेस है कॉपरेटिव कंपनी ज्वाइंट हिंदू फैमिली वहां पर जो है वहां पर सीक्रेट्स जो है वो स्प्रेड होते रहते हैं नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट कंट्रोल सोल ट्रेड बिजनेस के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट अपना कोई कंट्रोल शो नहीं करती गवर्नमेंट उसकी कोई चेकिंग नहीं करती गवर्नमेंट को बस अगर एक सोल ट्रेडर टाइम टू टाइम टैक्स पे कर रहा है सेल टैक्स पे कर रहा है इनकम टैक्स पे कर रहा है अब तो एक कॉमन टैक्स है हमारे पास सेल टैक्स के प्लेस पर जी अगर प्रॉपर उसका पे हो रहा है वो अपने जी इंक्लूडिंग बिल्स जो है वो यूज कर रहा है तो गवर्नमेंट उसके बिजनेस में कोई इंटरफेयर नहीं करेगी बाकी जितने भी बिजनेस हैं अगर हम उनको रजिस्टर्ड करवा रहे हैं तो गवर्नमेंट जो है हमें अपने रूल रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए जो है वो सेटअप कर सकती है कि आप गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल रेगुलेशंस को ही फॉलो करो ठीक है अपने रूल रेगुलेशंस आपने फॉलो नहीं करने यानी कि अगर हम कहें तो जो सोल ट्रेड है वहाँ पर गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो बहुत ही कम है ठीक है सोल ट्रेड इज़ फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल बट अदर बिजनेस वहाँ पर काफी हद तक गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है क्योंकि गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर एक्ट के अंडर बहुत सारे रूल रेगुलेशंस बनाए हैं और गवर्नमेंट चाहती है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस उन सब रूल रेगुलेशंस को फॉलो करें फाइनली अब हम कंक्लूजन निकालेंगे हमने इलेवन फैक्टर्स स्टडी किए अब जब भी आपने एक नया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना है तो आपने इन इलेवन फैक्टर्स को स्टडी करना है अपने माइंड में जज करना है उसके बाद ही आप एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्शन करोगे अब एट प्रेजेंट हमने जो इलेवन फैक्टर्स स्टडी किए उनके ऊपर हमने क्या कंक्लूजन निकाला क्योंकि कंक्लूजन निकालना बहुत जरूरी है बिजनेस एक बार जो सेट हो गया उसे बार बार चेंज नहीं किया जा सकता अब हम शॉर्ट में यही कहेंगे कि अगर हम सोल ट्रेड का बिजनेस अडॉप्ट करने जा रहे हैं तो वो बिजनेस किसके लिए मोर सुटेबल रहेगा स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए अगर आपका मिडिल लेवल का बिजनेस है तो आप पार्टनरशिप फॉर्म को अडॉप्ट कर सकते हैं अगर आपका लार्ज स्केल का बिजनेस है तो आप किस को कर सकते हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं ठीक है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और कॉपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो मिडिल लेवल और स्मॉल स्केल पर इंप्लीमेंट की जा सकती हैं दैट्स ऑल अबाउट द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हमने एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं